हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? सब होंगे, भगवान की कृपा से माया विष्णु का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए मैं वो कर रही हूँ वीडियो बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। और आज खुशी और माई है ना, कहीं जा रहे हैं अभी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये हमारी चुड़ैल है। आज आज खुशी पता नहीं ये लोग खूब पहन रखा है। हल्दी की रस्म थी, मैं बता देती हूँ। खुशी खुशी क्या है कि खुशी है ना, जो इधर हमारी शादी है हमारे के, तो इनकी समाज वालों की। तो खुशी आज हल्दी की रस्म में तो सुबह से ये टी शर्ट पहन के घूम रही थी, प्रॉपर साड़ी पहनी थी आज। तो खुशी ने ये लोग लगी साड़ी पहनी थी और फिर आप प्रॉपर पहले वापस ये लोग। तो फ्रेंड्स देखो, ये कैसे मोबाइल देख रहे हैं, देखो बाइक पे बैठ के दोनों, और गैरेज के अंदर बैठे। मेरा मकान तो अंदर है लेकिन ये दोनों देखो कैसे फोन देख रहे हैं। मयंक और आर्यन दोनों फोन देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंचे खेले बच्चे, ये देखो अब मैं खेलूंगी। मेरी बारी, एक बार मेरे को खेलने दो। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही वजह निकाल रही हूं। चल वापस ले फोन ना पारम। चल बता पीछे आ गए। तो फ्रेंड्स, मैं खेल जानती हूं कंचे। ये बच्चे हार गए, ये मेरा आर्यन हार गया, मेरा रणजीत हार गया। मेरे बेटे को मेरे मेरे चल बता इसके कैसे मारेंगे। मारो कोई बात नहीं, मैं मम्मी चीटिंग ही खा रही है, कोई बात नहीं, खाने दो। लगा मिकी, देख बेटी कैसे, देखो मिकी बेटी कैसे देख। मिकी सीट मारने की मारने की बता कौन सी लेनी चाहिए। मारनी नहीं, मारनी मारनी को नहीं, इसके बताए ना। हो छह से घुस गई, कोई निकालना आती, फोन ना नहीं आती कंची, ओ मैं फोड़ देता हूँ। नहीं, कंचिया खरीद के लाएगा। ओ देख रहा था, इतना भी यार। तेरी दोस्त के काली। तो फ्रेंड्स, मैं रंजीत की सारी कंचे जीत गई और मैं इसको वापस पकड़ा रही हूं। टावर रोने। तो फ्रेंड्स, ये मक्के का आटा लेना, ये कड़ी की दाल डाल दी और ये इसका साथ जीरा ले लूंगी। ये जीरा हो गया, ये जीरा हो गया, जीरा डाल दिया और ये नमक है, ये नमक डाल दिया। और फ्रेंड्स, ये पापड़ खा रहा, नमक जैसे होता है पापड़ में डालते हैं, पापड़ बनाते हैं। अब हम पापड़ भी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। प्याज काट लिया है और ये लहसुन छोल लिया है और ये दाल है काली दाल उड़ की। तो फ्रेंड्स, ये इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया है, तो ये क्या है कि खुशबू अच्छी देती है। तो मैंने ये साबुत धनिया थोड़ा सा वो करके कूट लिया है इसमें अमरदस्ते में, और इसमें ये डालूंगी थोड़ा सा साबुत धनिया, और भी अच्छा लगेगा। थोड़ा ये हरा धनिया भी डालूंगी, ये हरा धनिया डाल दिया। और ये इधर इधर गैस के ऊपर जो ये पानी उबल रहा है, इसको आटा लगाने के लिए पानी डालूंगी इसमें, ये गर्म पानी से आटा लगूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने गर्म पानी डाला है तो क्या हाथ जल रहे मेरे, आटा लगाने के लिए गर्म पानी किया तो उससे हाथ जल रहे हैं गर्म पानी से। तो
फ्रेंड्स मयंक से मैंने वो तिल मंगवाए तो उसने व्हाइट तिल तो नहीं लेके आया, ब्लैक तिल लेके आ गया। तो अब मैं जब तक दाल छोड़ देती हूँ लेके आता, तब तक मेरा आटा ही ऐसे जैसे पड़ा है। तो पहले मैं दाल छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद में भोग लगाऊंगी। तिल के बगैर अच्छे नहीं लगते, तिल होते तो और भी अच्छा लगता है। तो वो चेंज करवाने गया तिल, फिर लेके आएगा। तो फ्रेंड्स ये देखो ऐसे मैंने लगा दिया आटा, इसको ऐसे गोल गोल कर करके ऐसे डाल दूंगी, कर लूंगी। थोड़ा लूज हो गया आटा लेकिन ऐसे ऐसे बनूंगी। तो फ्रेंड्स मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, यहाँ तक पानी रखूंगी। ये क्या है पानी का, ये तो मैं यहाँ तक पानी रखूंगी, फिर इसका ढक्कन खा गया। एक मिनट पानी डाल दूंगी, पहले खड़ा होकर कहीं दिखा रही हो, थोड़ा सा पानी और डालूंगी। बस इतना सा पानी डालूंगी, तीन गिलास पानी डाली और इसका ये ढक्कन है, ये ढक्कन रख दिया मैंने। और अभी उस पर गैस पे चढ़ूंगी और डालें मैं ढक्कन। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें पानी रख दिया है, ये पानी उखाड़ आएगा, उबाल आ जाएगा, तब मैं ये ढोगले रख दूंगी, ये वाले रख दूंगी और फिर उसमें डाल दूंगी, फिर ऑटोमेटिक बनता रहेगा, वहाँ से बन जाएगा। फिर ये इसका ढक्कन है कुकर का, वो इडली वाला कुकर में बन जाता है, तो मैं फिर ये लटका दूंगी और ऑटोमेटिक बनता रहेगा। वो उधर दाल बन रही है, इधर ढोकले बन जाएंगे ये। तो फ्रेंड्स मैंने तो ये गैस पे ये चढ़ाई है और दाल भी बीच में, कुकर में भी पानी गर्म नहीं हुआ और ये देख लो गैस ही खत्म हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, गैस खत्म हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ, अब क्या करेंगे, क्या होगा हमारा। तो फ्रेंड्स मैंने टंकी लगा ली है, ये देखो वापस गैस चल गया, पहले खत्म हो चुकी थी। अदबीच में ऐसे टंकी एक्स्ट्रा नहीं हो तो फिर अदबीच में ऐसे ही रह जाते हैं। अदबीच में मतलब हमारी क्या भाषा ऐसी है ना, भीलवाड़ा की तरह की भाषा ऐसी है, अदबीच में मतलब कुछ भी काम हो तो अदबीच में रह गया, मतलब अदबीच में। तो फ्रेंड्स मैंने ढक्कन हटा दिया है और मेरे ढोकले बन चुके हैं, क्योंकि इसमें पानी मैं झुका नहीं सकती हूँ, इसमें ढोकले बन चुके हैं, इधर दाल भी बन चुकी है, ये देखो ढोकले बन गए। इसको अगर आपको देखना है, चेक करना है कि भाई कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, तो अपन चक्कू को अंदर डालेंगे, अगर इसके चिपक के नहीं आएगा ना साथ में, देखो अभी दिखाती हूँ आपको मैं, अगर इसके चिपक के नहीं आया ना तो समझ लेना अपना ढोकला बन चुका है। ले ये देखना अभी मिलूंगी, देख लो मेरे चक्कू के नहीं चिपक के आया ना, तो इसका मतलब ये ढोकले पक चुके हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे बनाते ढोकले। तो फ्रेंड्स अभी हम खाएंगे, फिर आपको बताते कैसे बने कैसे नहीं बने, फिर खाएंगे। और हमारे पास में ये है तिल का तेल, ये तिल का तेल है, तो इसको दाल और ढोकले के साथ में डाल के खाएंगे तो और भी अच्छी लगती है, तो हम खाएंगे अब। तो फ्रेंड्स ये मैंने ढोकले निकाल के बाहर और अभी खाएंगे, अच्छे लगेंगे। ये सर्दी में बढ़ते हैं, अब लास्ट एक बार और बना लिए, अब नहीं बनाएंगे, अब गर्मी आ गई ना तो नहीं बनाएंगे। वैसे एक दिन पापड़ और बनाएंगे, जो गेहूं के और मक्के के दोनों पापड़ बनाएंगे, जो एक दिन गेहूं के बनाएंगे एक दिन मक्का के बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते। तो फ्रेंड्स मैंने ढोकले ये डाल दिए मयंक को और ये दाल डाल दी, ये तिली का तेल डाल रही हूँ इसी के अंदर, दाल के अंदर। तो मयंक बस मयंक को डाल दिया है, अभी माई को डालूंगी, माई को भी अभी डालूंगी, तुम चल खाते रहे तुम। फ्रेंड्स माई को मैं दाल इसमें डालूंगी कटोरी में, ये कटोरी में खाएगी, दाल भी अच्छी घुट गई है और बस ये माई को दाल डाल दी है और ये ढोकले भी डाल दिए माई को। अब माई कैसे खाए कैसे नहीं खाए वो मेरे को पता नहीं है। अब तिली का तेल किसमें डालूं, वो मैं ले लूंगा कैसे काटने के बाद, ढोकले को काटने के बाद ले लूंगा, लेके आ जा। तो फ्रेंड्स मैं माई के ढोकले काट रही हूँ, वैसे आज लास्ट बना लिया, अब कभी नहीं बनाएंगे, अब तो अगले सर्दी में बनाएंगे। और ये देखो ये मैं माई के लिए ढोकले काट रही हूँ, अगर आपको खाना है तो इनको फ्राई भी कर सकते हो आप, मतलब घी में तेल में जिसमें जैसा आपको स्वाद चाहिए उस तरीके से आप फ्राई कर सकते हो। हम तो तिल्ली के तेल से खाते हैं, तो तिल्ली के तेल से हम खाएंगे, कच्चे ही खाएंगे, ऐसे फ्राई नहीं करेंगे हम तो, क्योंकि हमारे को ये अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने माई के ये ढोकले काट लिए, अब इसके तो फ्रेंड्स अब मैं खाना स्टार्ट कर रही हूँ, देख टेस्ट करते हैं कैसी लगती कैसी नहीं लगती, गर्म बहुत है जो हाथ जल रहे पहले तो। तो जब आज तो मेरी मम्मी के हाथ के स्वाद का अच्छा जैसे लग रहा है पहले वाले से अच्छे, हाँ पहले बनाए उससे भी अच्छे लग रहे हैं। तो
तो फ्रेंड्स मैंने ढोकले खा लिए, बहुत टेस्टी ढोकले थे और ज़्यादा भी खा लिए मैंने। तो अभी हाथ हाथ धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं छाला हो गया मुंह पे, हर बात इसी जगह होता है। तो फ्रेंड्स मेरा पैर बहुत दुख रहा है, खाना तो खा लिया, एक गोली लूंगी, एक गोली है दर्द की वो लूंगी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर गोली नहीं लूंगी तो मेरे रात को उठ के लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पैर में दर्द होता है तो मेरे को ऐसे ही करना पड़ता है, या तो पहले ले लूँ या फिर रात को लेनी पड़ती। मेरे क्या दवाई लेती हूँ ना, मुंह में पानी होता तभी ले पाती हूँ, पैसे नहीं ले पाती हूँ, नहीं तो उपकारी आ जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।